Hey guys, welcome to my channel Mama's Yummy Love. Hope you're fine and doing well. आज की हमारी रेसिपी है बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स। तो ये नूडल्स में नया क्या है? तो नया है ये बर्न्ड चिली और गार्लिक का फ्लेवर। ये बहुत ही परफेक्ट रेस्टोरेंट फ्लेवर है और आपके गेस्ट, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके बच्चों सबको ये अच्छा लगेगा। बट उसके पहले आपको इसे एक बार बनाना पड़ेगा। सो विदाउट एनी डिले, जस्ट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए एक पैकेट नूडल्स को हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। नूडल्स को परफेक्टली कैसे बॉईल करने हैं वो हक्का नूडल्स की रेसिपी में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है लंबी पतली कटी सब्जियाँ, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। नीचे की तरफ है चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, लाल फ्रेश वाली मिर्ची, ये ऑप्शनल है, या आप इसकी जगह पर ग्रीन मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन, कूटा हुआ लहसुन और स्प्रिंग अनियंस या हरे प्याज का सफेद वाला पार्ट। ये है हरे प्याज का हरे वाला पार्ट और ये है गार्लिक पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये सिर्फ एक टेस्ट एनहांसर है। फिर एक पतले तले वाले बर्तन में हम लेंगे यहाँ पे नियरली 3 टेबलस्पून जितना तेल और उसमें डालेंगे हमारा 1 टेबलस्पून जितना एकदम अच्छे से कूटा हुआ लहसुन। तेल हम मीडियम हाई रखेंगे, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। लहसुन डाल के उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर उसमें डालेंगे नियरली 1.5 से 2 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की मात्रा आपको कितना स्पाइसी या कितना तीखा चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे सारी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी और ये हमारा हरे प्याज का सफेद वाला पार्ट। सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें नियरली 2 मिनट के लिए टॉस कर लेना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। ज्यादा हाई फ्लेम ना रखिए, हमारा बर्तन भी थोड़ा पतले तले वाला है। सारी सब्जियों को ठीक तरह 1.5 से 2 मिनट के लिए टॉस करके हम उसमें डाल देंगे उबले हुए नूडल्स, लाल वाली फ्रेश मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और फिर वापस सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें टॉस कर लेना है। टॉसिंग का भी एक तरीका होता है, साइड्स पर से आप नूडल्स बीच में लाइए और वापस बीच में ही आप अपने चम्मच को हिलाते रहिए। ये देखिए, ज्यादा नूडल्स को ऊपर नीचे ना कीजिए। फिर हम ऊपर डाल देंगे हमारे हरे प्याज का हरे वाला पार्ट, 1/2 टीस्पून जितना हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और नियरली 1.5 टीस्पून जितने वापस हम डालेंगे इसमें लाल वाले चिली फ्लेक्स और नियरली 1.5 टीस्पून जितना गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मैंने पहले भी कहा टोटली ऑप्शनल है, बट रेस्टोरेंट्स में इसे टेस्ट एनहांसर के जैसे यूज किया जाता है, तो मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया है। बट नॉट टू वरी, अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो भी आपके बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे और एक टिप दे रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स मैंने घर में ही लाल कश्मीरी मिर्च को मिक्सर में ग्राइंड करके बना लिया है, मैंने उसे मार्केट से परचेज नहीं करी है। सो गाइस, ये हमारे बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स रेडी है और अब हम उसमें डालेंगे बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर। हाँ, ये चिली गार्लिक नूडल्स की यही स्पेशलिटी है, ऊपर हमें चाहिए ये बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल और उसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून इस तरह बारीक कटा हुआ लहसुन। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहिए, जरा भी इसे ऐसे ना छोड़िए। आपको इसे तब तक हिलाते रहना है जब तक आपको ऐसा गोल्डन पिंक कलर ना मिल जाए। ये देखिए, हमें जैसा चाहिए वैसा एक परफेक्ट कलर मिल गया है। तो ये हमारा बर्न्ड गार्लिक जाएगा हमारे नूडल्स पे, गरम गरम ही हम उसे डाल लेंगे। थोड़ा मैंने साइड पे गार्निशिंग के लिए रख दिया है और ऊपर से हम उसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारा फ्लेवर उसमें समा जाए। यहाँ पे मैंने साइड पे रख दिया है थोड़ा मेरा गार्लिक और तेल ताकि मैं गार्निशिंग में इंडिविजुअल सर्विंग के लिए यूज कर सकूं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स परफेक्ट बने हैं और ये एक परफेक्ट रेस्टोरेंट टेस्ट भी है, लुक भी है एंड दे आर जस्ट रेडी टू सर्व। सो गाइस, बर्न्ड चिली गार्लिक नूडल्स को यहाँ पे मैंने ग्रीन टी और चिली ऑयल के साथ सर्व किया है। चिली ऑयल की रेसिपी भी मैंने चैनल पे पोस्ट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके चिली ऑयल की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल मामाज यामी लव को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मामाज किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद सम मोर नाइस एंड गुड रेसिपीज। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।